हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाल क्लासेस। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का हैशटैग नंबर 2, जहाँ पे मैं आज आपके सामने टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ हिंदी कोर्स रिलेटेड। हम लोगों ने इससे पहले कल के लेक्चर में हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से निबंध लेखन, पत्र लेखन, जनसंचार, संचार किसे कहते हैं, इस सब के बारे में मैं अपने तरफ से बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया था। बाकी आप समझ पाए या नहीं वो हमें पता नहीं है, लेकिन कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा कि आप लोगों को समझ में आया था या नहीं। कोई ऐसा स्टूडेंट्स है जो अभी तक यहाँ पे नहीं देखे हैं, तो आपको सबसे पहले हमारे इन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगी लेटेस्ट, याद रखिएगा, जहाँ पे आपको इजीली से दिख रहा है हिंदी कोर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर। देखिए यहाँ लेक्चर नंबर 1 है। तो इसी तरह से ना मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग एग्जाम से पहले पहले, जैसे आप लोगों को पता होगा 7 फरवरी का आप लोगों का एग्जाम है, तो उससे पहले ना मैं बहुत सारे क्वेश्चन को तैयार कर लिया हूँ। याद रखिएगा, मैं बहुत सारा अच्छे अच्छे क्वेश्चन को कलेक्ट कर चुका हूँ। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग का मैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो महातंडाव क्लास लेकर आने वाला हूं ना, जहां पे हम लोग क्विक रिवीजन होगी, क्यूआर क्लासेस, क्यूआर कोड नहीं, क्यूआर क्लासेस, वो आप लोग जरूर बता दीजिएगा कि कब होगी। मैं अपने तरफ से चाह रहा हूं कि 2 तारीख और 3 तारीख के बीच में होना चाहिए। कितना ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो चाह रहे कि 2 तारीख और 3 तारीख के बीच में होना चाहिए? और जब भी मैराथन क्लास चलेगी ना, याद रखिएगा ये हमेशा शाम के समय अपलोड किया जाएगा। और हमें यकीन है इस बात की, अगर स्टूडेंट्स ऑनेस्टी पूर्वक अच्छे तरह से वो क्लासेस को कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव का भी बात कर रहा हूँ, सारा क्वेश्चन उसी से टपकेगी। साथ ही साथ आप लोगों के लिए एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में लेकर आया हूँ, जहाँ पे आपको झारखंड में पहली बार देखने को मिलेंगे। ये झारखंड में पहली बार न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग ये टेस्ट सीरीज चला जा रहा है, जहाँ पे आप अच्छी तरह से टेस्ट देकर आपको जज कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी हुई है, कितना और बाकी है, कितना ऐसे क्वेश्चन है 30 में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगी, 30 में से कितना ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे बन रही है, कितना ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे नहीं समझ में आ रहा है, कितना ऐसा क्वेश्चन है जो आप तो क्लिक किए हैं, आप तो आंसर टिक करके आए हैं पर सही हुआ है या गलत, सारा चीज ना आपको यहाँ पे ऑनलाइन दिखेगी। जिस तरह से आप अपने घर द्वार को छोड़कर फाइनल एग्जाम में बैठने के ऑफलाइन के एग्जाम के लिए, यहाँ पे आप घर के अंदर में ऑनलाइन एग्जाम देकर पूरे झारखंड के अंदर में कितने स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं वहाँ पे आप अपना रैंक भी चेक कर सकते हैं, इतना फैसिलिटी है इस कोर्स में। यहाँ पे आपका एक सब्जेक्ट में बात करूँ तो मिनिमम 6-7 टेस्ट सीरीज होगी, और एक टेस्ट सीरीज में 30 क्वेश्चन होगा, जहाँ पे बेहतरीन तरीके से टेस्ट लगाकर अपनी तैयारी को और इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो लेट ना करें, जाएं जल्दी से उस कोर्स को ज्वाइन करने की कोशिश करिए। कोई से स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं सर मैं कोर्स तो ज्वाइन करना चाहता हूँ पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ज्वाइन कैसे करूँगा, याद रखिएगा डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी व्हाट्सअप का एक नंबर दिया हुआ है, इस नंबर के माध्यम से हमारी टीम के साथ आप कनेक्टेड कर सकते हैं, बात कर सकते हैं कैसे करना है। खैर मैं मुद्दे की भी बात करता हूं, एक एक क्वेश्चन को मैं बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। और आज की जितना भी क्लासेस होगी ये सब्जेक्टिव का, सारा क्वेश्चन 3-3 मार्क्स का होगा। कितना क्वेश्चन? 3-3 मार्क्स का होगा। मैं नहीं चाह रहा हूं कि 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगी वो आपके पेपर से छूट जाए। मैं उम्मीद है कि मैं जितना बताऊंगा उससे बाहर नहीं पूछेगी, समझेगा, क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। यशोधर बाबू परिवार के बावजूद स्वयं को अधूरा क्यों मानते थे? यशोधर बाबू कितना ऐसे व्यक्ति होती है ना जो देखिएगा मरा हुआ लाश की तरह दिखता है, जिसको धोखा मिलता है, लग रहा है मेरे जिंदगी में कोई है नहीं, इस तरह सोचते हैं। तो जिंदगी में हमारे परिवार हमारे सपोर्ट में है, लेकिन फिर भी किसी किसी इंसान को ना अकेला महसूस होता है, ऐसा यशोधर बाबू को हुआ था। आपसे पूछ रहा है क्यों, क्या आपको हुआ था कभी? नहीं ना हुआ था। हाँ सर, हाँ जी। अब चलिए देखिए, यशोधर बाबू का अपना भरा पूरा परिवार होने के बावजूद भी स्वयं को अधूरा मानते हैं। उनके बच्चे ने उन्हें लगभग नकार दिया कि वे ना तो बाबूजी का सम्मान करते हैं और ना उनसे कोई सलाह लेते हैं। वो होता है ना कि अगर मैंने बेटा पैदा किया हूँ तो बेटा कुछ ऐसा कर लेते हैं, या जो लफंगा बेटा निकल जाता है वो माँ बाप का कोई कदर नहीं करते, इस तरह से यशोधर बाबू के साथ हुई थी, और ना ही उन्हें किसी प्रकार का सहयोग देते हैं। और कोई भी बेटा अगर कोई भी काम करते तो यशोधर बाबू से कोई भी सलाह नहीं लेते थे। वे यशोधर बाबू की हर आदत और हर चीज़ को अपेक्षा और तिरस्कार की नज़रों से देखते हैं। जो यशोधर बाबू के उनके बेटे होते थे ना, उनकी नज़र हमेशा उनके पापा पर होती थी, और उनकी जो भी कामें होती थी ना उस पर वह नज़रअंदाज कर देते, अरे तू क्या कर लेगा, पापा को इस तरह से कहते थे। कौन? यशोधर बाबू का बेटा जी। बच्चे का मन रखने के कारण उन्हें साइकिल छोड़नी पड़ती है, और जो है ना यशोधर बाबू जो है बच्चे को मन को रखने के लिए वो अपने साइकिल को भी छोड़ दिया ताकि बेटा फिर भी शांत रहे।
फ्रिज और गेस अपनानी पड़ती है, और फ्रिज और गेस अपनानी पड़ती है, यहां तक कि उन्हें उपहार में मिला हुआ गाउन भी अपना अपमान झेलकर पहनना पड़ता है। उनमें अब इतनी हिम्मत नहीं रही कि वह बच्चों की किसी बात को मान कर सके, मना कर सके। अब हमारे अंदर में जब हम लोग बुढ़ापे चले जाएंगे, हमारे जनरेशन होगी, हमारे बॉय होगा, मेरा डॉटर होगी या सन होगी, जो भी होगी, तो उसके बाद जब हम लोग बुढ़ापे में स्थिति में जब पहुंच जाएंगे ना, उस समय क्या होगी ना कि हमारे बात वहाँ पे नहीं चलती है, हमारे अंदर में उतना ताकत भी नहीं है कि मैं बात करके उसके मैं कोई भी काम को मना कर सकता हूँ। अगर कोई गलत भी काम कर रहा है, अगर मैं मना करूँगा तो वो गुस्सा होकर हम ही को डांटने लगते हैं। यह होता है सर समाज का तौर तरीका। अगर बचपन से बेटे को बेटी को बेटियाँ को जैसे ही सिखा कर रखेंगे, वो बड़े होकर आपको उसी तरह से देंगे। ठीक है, साइज तो यह है कि बच्चे उनके घर पर भी कब्जा कर चुके हैं और उनकी पत्नी बच्चों के साथ मिल चुकी है, और उनकी पत्नी जो है यशोधर बाबू की जो पत्नी है वो बच्चों के साथ बिल्कुल मिल चुकी है। बहुत सारे ऐसे परिवार में ऐसा देखने को मिलते हैं, इसलिए वे घर में बिल्कुल अकेले और असहाय महसूस करते हैं। देखिए बहुत सारे होता है ना, देखिए मान लेते हैं कि फादर है, ये मेरा क्या है, ये मान लेते हैं इसको फादर है, मेरा फादर है, मान के चलिए फादर है और ये मेरा क्या है, मदर है। तो फादर मदर मान लेते हैं सर कि फादर और मदर, जैसे मैं हम लोग तीन परिवार है, मतलब हम लोग तीन भाई है बहन है। ठीक है, अब क्या हुआ ना कि ये दोनों, इन दोनों को मिला लेके, इन दोनों जब मिल जाते हैं ना तो इस पर टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगला क्वेश्चन पर आते हैं सर कि सिंधु घाटी सभ्यता मूलतः खेतिहार और पशुपालक सभ्यता थी, ऐसा कैसा होता है? अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हिस्ट्री लेकर स्टडी किए हैं तो हमें यकीन है इस बात की ना क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव छूटेगी और ना ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटेगी। क्योंकि देखिए ये टॉपिक जो है ना, मोहनजोदाड़ो, अतीत में दबे पाव, इसमें ना चार मार्क्स का क्वेश्चन आएगी। चार मार्क्स का मतलब तीन मार्क्स का एक आएगा क्वेश्चन आपका शॉर्ट क्वेश्चन में और एक क्वेश्चन आएगा आपका ऑब्जेक्टिव में, तो यूं नहीं छूटेगी, टेंशन नहीं लेना है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता खेतिहार और पशुपालक सभ्यता थी, कुछ इतिहासकारों का मानना था। इस इतिहासकार इरफान हबीब के अनुसार यहाँ के लोग रवि की फसल का उत्पादन करते थे। रवि फसल आपको पता होगा, कपास, गेहूं, जौ, सरसों और चना की उपज के सबूत खुदाई में मिले हैं। विद्वानों का मानना है कि ज्वार, बाजरा और रागी की उपज भी होती थी। लोग खजूर, खरबूज और अंगूर उगाते थे। यहाँ के जो लोग थे ना, वो खजूर, खरबूजा और अंगूर सुनते ही आपके मुंह में पानी आ गया, अंगूर खाना है, खिलाएंगे, सबको खिलाएंगे। रिजल्ट को बेस्ट कीजिए, मैं आपके घर, हाँ आपको मैं बोल रहा हूँ, आपके घर जाकर मैं आपको खिलाऊंगा, रिजल्ट को बेहतर बनाइए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सर। झाड़ियाँ से बैर जमा करते थे, कपास की खेती भी होती थी। खेती के प्रमाण मिलने के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह सभ्यता खेतियार और पशुपालक सभ्यता थी, यह सभ्यता खेतियार और पशुपालक सभ्यता थी। यह है सर सिंधु घाटी सभ्यता की मूलतः खेतियार और पशुपालक सभ्यता। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एन फ्रैंक के बारे में, आपके टॉपिक में चार दो छः मार्क्स का क्वेश्चन आएगी। एक आएगा सर ऑब्जेक्टिव में, एक क्वेश्चन आएगा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में और एक क्वेश्चन आएगा आपका सब्जेक्टिव में। टोटल मिला के आपका पेपर में छः मार्क्स का क्वेश्चन आएगी। ठीक है, समझिएगा, एन फ्रैंक को अज्ञातवास में जाने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा? यहूदी परिवार से, हिटलर के जमाना था, इटली में हिटलर के जब जमाना था तो हिटलर यहूदी को थोड़ा सा भी पसंद नहीं करता, हिस्ट्री में हम लोग पढ़े हैं बचपन में। द्वितीय विश्व युद्ध के समय हॉलैंड के यहूदी परिवार को जर्मनी के प्रभाव के कारण बहुत सारी यतनाएं सहनी पड़ी। यतनाएं का मतलब कष्ट हो, पीड़ा हो, हम लोग को सहना पड़ा था। इस बीच यहूदियों ने तरह तरह के कष्ट सहे। यहूदियों के बीच काफी ज्यादा अत्याचार होती थी उस समय जर्मनी में ना एक पार्टी था, नाजी पार्टी, और हिटलर ने एक पार्टी बनाया था जिस पार्टी का नाम था नाजी पार्टी, इस तरह से लिखना है। नाजी पार्टी में यह बताया गया था जहां भी मिले, मान लेते हम लोग 10 को व्यक्ति मिल गए, इसको हम लोग हिटलर, इसका मेन कैरेक्टर मैं हूं, इसका हिटलर, इसका ठेकेदार मैं हूं, और मैं कह दिया कि जहां भी आपको दिखे यहूदी लोग उसको पकड़ कर मार देना है, गोली मार देना है, शूट कर देना है, घर तोड़ देना है, इसका कहना था हिटलर का। ठीक है, कष्ट से गुप्त तहखाने में छिपकर जीवन रक्षा की है, शारीरिक और मानसिक कष्ट सहे, भूख, गरीबी और बीमारी देखी, भूख जो है ना, गरीबी और बीमारी देखी, उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया है। जर्मनी के शासक ने लाखों यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया है। जो जर्मनी के शासक थे उस समय हिटलर, उन्होंने लाखों, एक दो नहीं, लाखों, क्या कहते पता है,
हिस्ट्री अगर पढ़ेंगे तो समझ में थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। एक घर बनवा लेते हैं, मेरा स्टूडियो, इस स्टूडियो में 10-15 यहूदियों को घुसा देते थे और इस घर में बॉम्ब फिट कर देते थे और तुरंत बस बटन दबाते थे पूरे घर को उड़ा देते थे, या तो दम घेटू कोई गैस अगर डाल देते तो उस गैस को सूंघते ही इंसान मर जाते थे। ऐसे तड़पा तड़पा कर हिटलर यहूदियों को मारते थे। ऐसे समय में दो यहूदी परिवार एक गुप्त आवास में 2 वर्ष तक छिपे रहे। इनमें एक था फ्रैंक परिवार जो एन का परिवार था। हिटलर के यतनाओं से बचने के लिए और अपने जीवन की रक्षा के लिए इन्हें अज्ञातवास जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये है हम लोगों का, जब भी एन फ्रैंक के बारे में आए टॉपिक बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। इस टॉपिक के बारे में आपको पढ़ना है क्योंकि बहुत ही रोचक वाली ये टॉपिक है। अगला क्वेश्चन है, जूज कहानी के आधार पर, जो जूज कहानी है इसके आधार पर बताएं कि प्रारंभ में लेखक किस तरह की कविता लिखा करता है। तो लेखक अपने मास्टर से प्रभावित होकर कविता करने लगा। ये जो जूज कहानी है ना, थोड़ा सा मैं स्टोरी सुनाऊं आपको समझ में आ जाएगा कि जूज कहानी एक्चुअली क्या है। मैं थोड़ा सा बता दूं जूज कहानी के बारे में। जैसे मान के चलिए कि मैं फादर हूँ, मेरा एक छोटा सा बेटा है। अब मैं बेटा को कह रहा हूँ कि जाओ पढ़ने, पढ़ लिख कर कुछ बनो, पढ़ो जाके। वो बच्चा कहता है नहीं, हम खेती करेंगे, हम खेती करेंगे, हम खेती करेंगे। अब क्या हुआ ना, उस बच्चों को हमें लेके गया कहाँ, खेत पे लेके गया हूँ। और खेत पे ले जाने के बाद उसको दिया कंधा हल चलाने के लिए, कंधे पर हाथ रख दिया, हाथ नहीं हल, जिसको हम लोग बोलते हैं ना जो बैल के ऊपर रखता है, उसको रख दिए। अब पूरा मार डांटा, बच्चा क्या किया, अब बैग को उठाया वहीं पे और दौड़ते दौड़ते हाँपते कांपते हुए वो स्कूल पहुंच गया। इसी के बारे में जूझ कहानी में बताया गया था कि पढ़ाई कर लो, पढ़ लो, पढ़ लो, समय है, इस समय फिर ये समय लौट कर नहीं आएगा। इसीलिए कहता है कि जूझ इस कहानी के आधार पर बताएं कि प्रारंभ में लेखक किस तरह की कविताएं लिखा करता था। लेखक अपने मास्टर से प्रभावित होकर कविता करने लगा। मास्टर जी ने अपने दरवाजे की मालती लता पर कविता लिखी थी। लेखक ने मालती लता व कविता दोनों देखी थी। जो मालती लता है, जो हम लोग का लेखक है, उन्होंने मालती लता और कविता दोनों देखी थी। इससे कहता है कि इससे लेखक को लगा कि मैं भी अपने खेतों पर, गांव पर, गांव के लोगों पर की कविता लिख सकता हूं। जो इसी समय कहता है, लेखक को लगा कि मैं भी इस तरह से लिख सकता हूं, इसलिए वह कहता है मैं गांव पर खेती करते समय या गांव के लोगों के बारे में कविता लिख सकता हूं। भैंस चराते चराते, अब हम लोग देखते हैं ना दाहत का लड़का अधिकतर भैंस चराते चराते पढ़ते होंगे, आप में भी, आप नहीं है हमको लग रहा, झूठ बोल रहे हैं आप। चलिए, भैंस चराते चराते फसलों पर या जंगली फूलों पर लेखक भी तुंगबंदी करने लगा है। उन कविताओं को गुनगुनाता और मास्टर जी को दिखाता है। जिस तरह होता है ना कि मेरा सुर चढ़ गया है कि मैं लिख लिया हूँ कविता, अब उसके बारे में ना मैं गुनगुनाते रहता हूँ सारे जहाँ से अच्छा, इस तरह से मैं गुनगुनाते रहता हूँ। और इस तरह से जब गुनगुनाता हूँ ना तो मास्टर जी को सुनाई पड़ जाता है। लेखक को कविता लिखने की इतनी धुन लगी कि यदि कागज पेंसिल ना हो तो कंकड़ से पत्थर की शिला पर लिख लेता है। और जो लेखक है उसको कविता लिखने की इतना भूत चढ़ा हुआ था कि जब भी उनके पास पेन और कॉपी नहीं होती थी, वो कहीं ना कहीं मिट्टी पर ही कंकड़ उठाकर वहाँ पे कविता लिखना शुरू कर देते थे। ये होता है सर जज्बा, कुछ करने के लिए पॉकेट में गांधी हो या ना हो, लेकिन कुछ करने के लिए जीवन में आंधी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसलिए आंधी पैदा कीजिए, गांधी जरूर अपने पास दौड़ कर आएगी। ठीक है, ना हो तो आगे कहते हैं कि पेंसिल ना हो तो कंकड़ से पत्थर की शिला पर लिख लेता, या लकड़ी के टुकड़े से भैंस की पीठ पर लिख लेता, कंठस्थन होने पर उसे पोछ देता है। और क्या करता है, जब वो जमीन पर लिख लेते हैं तो क्या करते हैं, उसको फिर से पोछ देते हैं, जैसे पहले था वैसी तरह से कर देता है। जैसे बंगला में बोलते हैं, आमी जमने छिली तमनी कोरिदा। ठीक है, ये बंगलों के बंगाली का सॉन्ग है, आप लोग सुने होंगे। तो ये सर हम लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन जाने से पहले मैं फिर से बता दूं, कुछ करें या ना करें मेरे डियर स्टूडेंट्स, मेरे शेरों सरनियों, टेस्ट सीरीज जरूर अटेंड कीजिएगा। कुछ करें या ना करें, इस टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कीजिए। इस टेस्ट सीरीज को जब आप लगाएंगे ना तो आपको लगेगा कि मैं एक्चुअली में कहाँ पे आके खड़ा हूँ। याद रखिए कि इस टेस्ट सीरीज में पूरे झारखंड में आपको पहली बार दे रहा है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जहाँ पे आपको
पता चलेगा कि हम कितना स्टूडेंट से आगे हैं, कितना स्टूडेंट से है पीछे हैं। एक खोटा में कहावत होते हैं ना कि कितना पानी में है दिखा जाएगा, कहीं कहीं डूब तो नहीं रहे ना, कितना पानी में कौन कितना पानी में है दिखा जाएगा। उसी तरह से इसमें है आप लोगों का टेस्ट सीरीज। जाइए इसको जल्दी से आप लोग ज्वाइन करने की कोशिश करिए। नहीं समझ में आ रहा है कैसे ज्वाइन करना है, फोन पे गूगल पे मोबाइल अपने मोबाइल पे यूज़ नहीं करते हैं, किसी और से करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सअप का नंबर दिया हुआ, इस व्हाट्सअप के नंबर के माध्यम से आप हमारे टीम के साथ जुड़ सकते हैं। इसी तरह से मिलते हैं नया सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ, तब तक लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाएं।